राजा बलि ने ब्रह्मा जी से कहा, अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, क्या हम इन देवताओं को परास्त नहीं कर सकते? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, वत्स, परास्त तो कर सकते हैं, पर जीवन में कुछ व्रत तो हो, कुछ संकल्प तो हो। बोले, क्या संकल्प? बोले कि जो व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करता है, आज्ञा का पालन करता है, जो गौ माता की सेवा करता है और जो माता पिता की सेवा करता है, उसको सृष्टि में कोई परास्त नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि आपकी कृपा से ये तीनों सेवा करने का मुझे नित्य अवसर मिलता है। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरा, शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या प्राप्त थी, मरे हुए को जीवित कर सकते थे। राजा बलि ने इंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया, सारे देवता अमृत पीकर के मदोन्मत्त हो गए, भजन माला पूजा पाठ सब छूट गया, हमें तो कोई मार ही नहीं सकता। ऐसा मन के अंदर उनके आलस्य प्रमाद आया कि सब सत्कर्म छूट गए और प्रमादी होकर के भोग विलास में डूब गए। तो बलि ने इंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया, भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवताओं की हार हुई, पराजय हुई। सारे देवता इधर उधर जंगलों में वनों में भटकने लगे। तो माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। देखो माताओं बंधुओं, अपनी संतान का कष्ट माता नहीं देख सकती, चाहे संतान कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन माता के हृदय से अपनी संतान के लिए शुभाशीष ही निकलते हैं। एक माँ अपनी चार संतानों को पाल लेती है, लेकिन चार संतानों से एक माता को संभाला नहीं जाता। हमारे असली माता पिता तो हमारे भगवान, असली महादेव और पार्वती तो माता पिता ही होते हैं। हम न जाने कितने व्रत उपवास करते हैं, लेकिन हमारे इन व्रत उपवासों से प्रभु नहीं रीझते, प्रभु रीझते हैं हमारे सत्कर्मों से। और यदि हमारे सत्कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो हमारे व्रत उपवास कभी प्रभु को रिझा नहीं सकते। आपने वो एक कथा सुनी होगी राजा टोडरमल की। राजा टोडरमल बड़े वीर प्रतापी थे, बड़े समृद्ध थे। तो उन्होंने कहीं सत्संग में सुन लिया था कि व्यक्ति के ऊपर जीवन में तीन प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो कहते हैं कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ तो पितृ का ऋण चुक जाता है, गुरु की आज्ञा का पालन करने से गुरु ऋण की को हम अदा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने सदैव गुरु की आज्ञा का पालन किया है और अपने पिता की सृष्टि को आगे बढ़ा करके पिता के ऋण को भी से की भी अदायगी कर दी। तो कहते हैं अपनी माता से कि माँ, मैं जीते जी किसी का ऋण लेके नहीं जाना चाहता, जीते जी सबका ऋण चुका देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरा भी ऋण चुकाना चाहता हूँ। जैसे टोडरमल की माँ ने सुना कि ये मेरा ऋण चुकाना चाहता है, एक माँ का ऋण चुकाना चाहता है, बोले, हाँ माँ, मैं किसी का बोझ लेके नहीं जाना चाहता दुनिया से। तो टोडरमल की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तू मेरा ऋण चुकाना चाहता है ना, आज से तू मेरे पास आकर सोना। टोडरमल ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा माँ। रात हुई, दिन भर राज्यसभा में बैठ करके लोगों की दुख तकलीफों को दूर किया और रात्रि में अपनी माँ के कक्ष में आकर के अपनी माँ के पलंग के पास ही नीचे अपनी शैया बिछा करके लेट गए। थके हारे थे, जैसे ही शैया पर लेटे तैसे ही नींद आ गई आंखों में। अभी सोए ही थे कि माँ ने आवाज लगाई, बेटा टोडरमल, प्यास लगी है, पानी पिलाएगा? उठे, माता को ले जाकर के पानी दिया और माँ ने केवल एक दो घूंट पानी ही पिया, ये अपने स्थान पर गए, पात्र रखा और फिर लेट गए। अभी आंखों में पुनः नींद ही आई थी कि फिर माँ ने पुकार लिया, बेटा टोडरमल, प्यास लगी है, बेटा पानी पिलाएगा? अब उठने में थोड़ा आलस आ रहा है, दम लगाना पड़ रहा है उठने में। उठे, माँ के पास पानी लेकर के गए, माँ ने फिर एक दो घूंट पिया और फिर जाकर के पात्र रखा और फिर लेटे। अब फिर थोड़ी देर के बाद में, बेटा टोडरमल, प्यास लगी है?
अब थोड़ी खींच आ रही है कि माँ पानी वानी कुछ पीती नहीं हो, दो घूंट पीती हो, प्यास लगी है। लेकिन फिर भी माँ के पास पानी लेकर के गया तो माँ ने ऐसा अभिनय किया कि जान पूछ करके पानी का पात्र छोड़ दिया। पानी का पात्र बिस्तर पर गिर गया, सारा बिस्तर गीला हो गया। टोडरमल ने कहा, माँ देखो सारा बिस्तर गीला हो गया, तुम हटो, मैं इसको बदल देता हूं। उसने दूसरा बिस्तर बिछाया और जाकर फिर सोया। फिर माँ ने आवाज लगा दी, बेटा टोडरमल प्यास लगी है। टोडरमल फिर उठ करके आया और अब माँ ने पुनः जान पूछ करके पानी फिर बिखेर दिया। अब टोडरमल के धैर्य की सीमा जवाब दे गई। बोला, माँ क्या बार बार पानी प्यास लगी है, पानी दो घूंट पीती हो, कभी पानी पहला देती हो, बार बार प्यास लगी, ढंग से पानी भी नहीं पीती, ढंग से प्यास नहीं लगी है। माँ ने देखा कि अब लोहा गर्म है, समय है प्रहार करने का, बस चार बार उठ गया और चला है माँ का ऋण चुकाने के लिए। तू माँ का ऋण चुकाएगा, चार बार उठने में तेरा धैर्य जवाब दे गया। कितनी बार तू भूखा होगा, रात भर मेरी आंखें खुलती थी, तेरे वस्त्र गीले ना हो, तू गीले में ना सोया हो, रात्रि जागती थी, और चला है ऋण उतारने के लिए। पहले तू ये तो जान ले कि तू पैदा कैसे हुआ है। जब वो महारानी गर्भवती थी तब अधर्मियों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था। टोडरमल के पिता युद्ध में शहीद हो गए। रानी चाहती थी कि मैं भी अपने पति की चिता के साथ सती हो जाऊं, लेकिन गर्व से थी इसीलिए शहीद नहीं हो पाई, वो सती नहीं हो पाई। अपने राजा की अमानत को लिए हुए दासी के घर में भेष बदल करके रहती हैं कि कैसे भी इस राज्य की अमानत को सही सलामत जन्म दे दूं। दासी कहती है, महारानी आप मेरे घर में, दासी के घर में सेवक बन करके रहती हैं। महारानी कहती हैं कि कैसे भी करके इस राज्य का उत्तराधिकारी उसको, पर पता नहीं ये कन्या होगी कि पुत्र होगा। उस राज्य में उनके गुरुदेव आए, ये चुपचाप गई। कहती हैं, गुरुदेव मैं गर्भ से हूं, मैं जानना चाहती हूं कि जो ये संतान होगी ये पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो संतान है वो पुत्र ही होगा। बोले, ये बड़ा होकर क्या करेगा, क्या मैं ये राजा बनेगा, अपने पिता के कर्तव्य का पालन करेगा? तो उन्होंने कहा कि यदि इसने दिन में जन्म लिया तो ये व्यापारी बनेगा, अगर इसने रात्रि में जन्म लिया तो ये लुटेरा बनेगा, और यदि इसने प्रातः काल जन्म ले लिया तो फिर ये राजा बनेगा। रानी ने उसी समय संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी संतान को प्रातःकाल ही जन्म दूंगी। क्या ये माँ के हाथ में होता है? लेकिन उस रानी ने संकल्प कर लिया। प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई, अभी तो दिन ही है, अभी तो सुबह आने में बहुत वक्त है, मैं राजा के साथ ऐसा नहीं कर सकती, इस प्रजा के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे तो अपनी संतान को सुबह जन्म देना है। मेरे गुरुदेव ने कहा था जब ये सुबह पैदा होगा तभी ये राजा बन पाएगा। दर्द और पीड़ा से रानी विचलित होने लगी। तब उसने अपनी सेविका से कहा कि देख, मैं इस शैया पर लेट जाती हूं, तुम रस्सी से मुझे कसके बांध दो और इस शैया को उल्टा खड़ा कर दो। दासी कहती है, महारानी इतना बड़ा अपराध मैं नहीं कर पाऊंगी। कहते हैं कि जब माता संतान को जन्म देती है 2000 बिच्छू के काटने जैसा दर्द पीड़ा झेलती है, प्राण बचेंगे कि भी नहीं बचेंगे, लेकिन क्या पता मेरी कोख से कोई रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो जाए, कोई भगत सिंह पैदा हो जाए, कोई आजाद पैदा हो जाए, कोई विवेकानंद पैदा हो जाए। उसके लिए माता अपने प्राणों के संकट को भी झेल लेती है। शैया से लेटी हुई वो महारानी, उसको रस्सी से बांध करके दासी रो रही है, पर महारानी की आज्ञा है, देख अगर तू मेरे साथ नहीं करेगी तो मेरा पूरा ये प्रण अधूरा रह जाएगा। शैया उल्टा करके खड़ी कर दी गई। रानी बिलख रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, परंतु पुत्र को जन्म देना है, सुबह देना है। रात्रि भर पीड़ा में बीत गई और जैसे ही प्रातः काल की भोर बेला हुई तैसे ही दासी ने उस चारपाई को सीधा करके लेटाया और यहां रानी ने
प्रसव पीड़ा को झेल करके अपने पुत्र को जन्म दिया है। आया है तू ऋण चुकाने के लिए, पहले जान तो ले तू पैदा कैसे हुआ। माताओं बंधु, हम कुछ भी कर ले, जग लुटा लें, लेकिन माता पिता के ऋण को हम चुका नहीं सकते।